तो आज हम बात कर रहे हैं एक्सेल की बेसिक कंसेप्ट में फाइल मेनू बार। फाइल मेनू बार भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप नया एक्सेल खोलते हैं तो कुछ इस तरह का विंडो आता है, जिसमें न्यू वर्क बुक और आपकी किया गया यूज टेम्पलेट या ट्यूटोरियल आपको यहाँ साइड में दिखेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे तीन लिस्ट दिखेंगे, रिसेंट, पिन और सर्विस मी। रिसेंट जो आपने रिसेंटली फाइल खोला है उसका लिस्ट है, पिन। अब क्या होता है, कुछ ऐसी फाइल होती है जिसको हम बार बार ओपन करते हैं ना, तो लिस्ट में होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने बहुत सारे फाइल खोल दिए तो लिस्ट से गायब हो जाता है। हम चाहते हैं कि वो पिन हो जाए। जैसे कि देखिए, पिन का निशान दिख रहा है ना सर, पिन हो गया मतलब कि वो पिन वाले लिस्ट में फिक्स हो जाएगा, हटेगा नहीं। देखिए देखिए सर, पिन है ना, तो पिन करने के लिए कुछ नहीं करना, इस पर क्लिक कर दीजिए, पिन हो जाएगा, राइट। जस्ट ठीक क्लिक, ऑटोमेटिकली पिन हो जाएगा। उसके बाद आपको शेयर विथ मी, मतलब आपको जो शेयर किया है शेयर ड्राइव से, उसका लिस्ट आएगा। अब न्यू पे आते हैं तो न्यू पे आपके पास यहाँ पे होता है न्यू वर्क, ब्लैंक वर्कबुक, उसके अलावा यूज की गई टेम्पलेट और यहाँ पे और भी बहुत सारे टेम्पलेट। अब टेम्पलेट क्या होता है, आप देख रहे हैं बहुत बने बनाए आपको रिपोर्ट्स दिख रहे हैं ना सर। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट आपको बने बनाए बहुत सारे फॉर्मेट देता है ताकि आप रेडी टू यूज आपको यूज करें। जैसे आपको इनवाइस चाहिए, आपके बॉस ने बोला कि एक एक इनवाइस बना दो, इनवाइस का फॉर्मेट बना दो, कुछ बिल देना है, मेरे पास इनवाइस के फॉर्मेट नहीं है। या फिर वर्क ऑर्डर, आपको वर्क ऑर्डर बना दो, या ट्रायल बैलेंस हो गया, मतलब कुछ ऐसी चीज बनाने के लिए बोला गया जो आपके फील्ड से हटके है और आपको आइडिया ही नहीं है कि क्या होता है। क्या सर, जी जैसे मैंने यहाँ पे बिल को सर्च करके एंटर मारा तो सर्च करते ही माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन से बहुत सारे बिल के फॉर्मेट यहाँ दिख गए। अब जो फॉर्मेट मेरे अकॉर्डिंग से, मान लीजिए ये मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है, तो हमने इसको क्रिएट कर दिया। क्रिएट करते ही देखिए रेडी टू यूज हो गया, हो गया। जिसमें आप यहाँ पे लोगो डाल दीजिए, यहाँ डेट ऑटोमेटिक आता है, इनवाइस नंबर है, और यहाँ पे कंपनी नेम वगैरह डालिए, और यहाँ पे अपने आइटम्स और उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह दीजिए, और ये यहाँ पे बाकी जो डिटेल्स है डिटेल चेंज करके आप प्रिंट करेंगे, और ये आपका इनवाइस जो है रेडी टू यूज रहेगा। ठीक है, समझे। जी जी ये हमारे न्यू के अंदर में। अब टेम्पलेट तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, रेडी टू यूज है, तो क्या हम अपने लिए भी टेम्पलेट बना सकते हैं? अब टेम्पलेट की जरूरत क्यों पड़े? आप क्या करते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो क्या करते हैं, एक पुरानी रिपोर्ट को लेते हैं, तो कल आपने बनाया था, उसको सेव एज करते हैं आज की रिपोर्ट में, राइट सर। जी उसको सेव एज करते हैं आज की रिपोर्ट में, जी ऐसा ही करते हैं सर। जी सर और फिर उसको जो है आप जो कल की डेटा है उसकी जो डेटा है उसको डिलीट डिलीट करके फिर नया डेटा तैयार करते हैं। तो जी आपको डेटा डिलीट करके सेव एज करने में टाइम लगता हो, क्यों ऐसा कुछ किया जाए कि रेडी टू यूज रहे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक छोटा सा टेम्पलेट हम बना रहे हैं न्यू वर्कबुक लेके। जैसे कि हमने लग बना दिया सेल्स रिपोर्ट, और मंथ देता हूं, मंथ मई 2022। डेट लोकेशन, ये गिडलाइन दिख रहा है ना सर, ये प्रिंट पे नहीं आता है। सीरियल नंबर, आइटम, डेट स्टोर,
एमआरपी प्राइसेस क्वांटिटी अमाउंट, और इसको नीचे तक हमने लेके यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे टोटल सम का कॉमा लगा दिया और यहाँ आइटम में सम का कॉमा लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्वांटिटी और प्राइसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ नीचे साइन करने के लिए चेक बाय, और यहां में मर्ज कर देते हैं प्राइस बाय, ठीक है। अब यहां पे प्रिंट कीजिए, देखो रिपोर्ट दिखा इस तरह से दिखेगा। जी। अब यहां पे यहां पेज लेआउट पे जाते हैं, इसकी गाइडलाइन को यहां से हटा देते हैं, राइट। उसको सेव एज करते हैं, नाम दे दीजिए, हमने यहाँ पे सेल्स नाम दे दिया, और लोकेशन मान लीजिए हम ई ड्राइव कर देते हैं, और ऑप्शन में आते हैं, और यहाँ जो ब्राउज करिए एक बार, यहाँ जो आपके फाइल टाइप में बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है एक्सेल एनेबल वर्कबुक करके जो आ रहा है, उस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया एक्सेल टेम्पलेट, ठीक है, एक्सेल जी टेम्पलेट, और इसको सेव कर दिया। अब इसको क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद आप देखेंगे यहां अगर डी ड्राइव में हम जाते हैं, एक तो इसकी आइकन चेंज हो जाएगी, ये देखिए आइकन चेंज होगी ना सर, अगर मैं इसको व्यू में जाके अगर इसको बड़ा आइकन कर दूं, मैं लार्ज आइकन स्मॉल लार्ज आइकन में, तो देखिए इसका आइकन चेंज हो गया, एक डायरी की तरह हो गया ना सर। दूसरा, सर, जिसमें ओपन करूंगा तो सेल्स नहीं, सेल्स वन ओपन होगा, सेल्स वन आ गया। जी मैं इसको दोबारा भी ओपन कर सकता हूँ तो सेल्स टू ओपन होगा, सेल्स टू ओपन हुआ, और एवरी टाइम मुझे ब्लैंक देगा, एवरी टाइम ब्लैंक देगा मुझे। तो लेकिन आप सर इस तरह जी, इसमें अगर कुछ भी डाटा जो हम आप लिखेंगे वो स्टोर तो रहेगा ना। डाटा लिखते हैं, जैसे आप कंट्रोल एस करेंगे ना, ये सेव एज होगा, जैसे नया एक नया एक्सेल वर्कबुक ओपन करते हैं कैसे बिहेव करता है, जी ऐसे बिहेव करेगा। जैसे नया एक्सेल जब खोलेंगे जो बिहेव करता है जी नया एक्सेल, उसी तरह से ये भी आपको बिहेव करेगा, समझ गए, क्लियर जी सर है। जी इस तरह की टेम्पलेट आप बना सकते हैं, कर सकते हैं इसका यूज वगैरह, ये टेम्पलेट थी हमारी, ठीक है। बाद बाकी ओपन है, ओपन में रिसेंट वर्कबुक होता है, फोल्डर होता है, उसके अलावा बाकी डिवाइसेस है, इन्फो आपको फाइल से रहते इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है एस डेटा, राइट। जी अब इस डेटा को जब तक मैं खोलू ना, मान लो नाम से तो पता चल रहा है आपको, ठीक है ना, लेकिन मान लीजिए 6 महीना बाद आप देते हैं, आपको याद नहीं कि इस डेटा ने क्या सेव किया था। जैसे हम लोग कॉमनली होते हैं बुक वन समरी डेटा सी टू वन ऐसे सेव कर देते हैं ना, तो जी प्रॉब्लम क्या होती है कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे पता करना होता है इसके अंदर डेटा क्या है, तो हमें क्या करना होता है, उसको ओपन करना होता है ना, बगैर ओपन समझ में नहीं आती ना डेटा सर। जी अब इस पे क्लिक करिए, क्लिक करते देखिए क्या आ गया, सैंपल डेटा फॉर पिवट टेबल, एक्सेल पिवट टेबल ट्यूटोरियल। अब ओपन करने की जरूरत है, नहीं सर ये डिटेल कैसे हुआ, तो ये डिटेल्स हम राइट क्लिक करके इस पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, उसके डिटेल्स पे जाते हैं, और यहां पे हम चीजों को टाइप कर देते हैं, ठीक है सर।
ठीक यहाँ पे जो चीजें हम टाइप करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखेगा, राइट। ये चीज हम यहाँ एक्सेल के अंदर इन्फो के अंदर जाते हैं, लेते हैं। बाकी सेव और सेव एज तो पता ही है, बताने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी सेव करते हैं तो आपका डिफॉल्ट जो होता है एक्सेल वर्कबुक होता है, फाइल टाइप। जी सर, लेकिन लेकिन अगर आपके पास जो फाइल है वो एक्सेल 2007 या 10 का कुछ भी फॉलो मतलब नहीं है, लेकिन उसके अंदर वीबीए प्रोग्रामिंग है, माइक्रोज है, अब उसके अंदर माइक्रो की कोडिंग वगैरह आपने कर रखा है, तो इसका ध्यान रखना होगा कि आपका फाइल एक्सेल वर्कबुक में सेव ना हो, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक माइक्रो डिसेबल वर्कबुक होता है। क्या होता है? माइक्रो डिसेबल होता है। डिसेबल। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी आप एक्सेल फाइल ओपन करेंगे, सेव करेंगे, अगर कोड हुआ तो सारे के सारे कोड लॉस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लॉस्ट हो जाएंगे, बाकी कुछ खास नहीं है। प्रिंट आपका नॉर्मल प्रिंट जो करते हैं वही है। प्रिंट के बारे में आपको आगे भी बताएंगे अच्छे से। शेयर हुआ, इसको आप मान लीजिए मुझे मेल करना है किसी को, तो मेल करने के लिए क्या करेंगे? पहले इसको सेव करके एक जगह पर रखेंगे क्या, जी फिर उसको मेल करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि हमें डेटाबेस से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भेजनी होती है, और भेजने के बाद उसको स्टोर रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके बॉस ने बोला यार बता दे कल सेल कितना हुआ था, तो आपने क्या किया, मास्टर डेटा में क्या है फिल्टर किए और कल की सेल को उठाए, एक नई वर्कबुक में कॉपी पेस्ट किए और भेज दिए। लेकिन कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको उसको सेव एज करना पड़ेगा ना, जी बिना सेव का अटैचमेंट होगी। नहीं होगा सर। लेकिन अगर आप करते हैं शेयर, ठीक है ना, शेयर में आपने यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक पे स्पिक कर दिया ना, सेंड कॉपी पे क्लिक कर दिया, तो क्या होगा कि आपको अब फाइल सेव करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत दिख रहा है सर, अटैच हो जी गया ना आउटलुक के थ्रू। अब यहाँ पे टू सीसी डाल के सेंड कर दीजिए, आपको फाइल सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली वो जो है टेम्प टेम्प में डाल के सेव करके भेज दिया, लेकिन आउटलुक के थ्रू भेजेगा। एक बेनिफिट होता है। उसके बाद एक्सपोर्ट है, इसको अगर आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट जैसे कि एक्सपीएस में, पीडीएफ में अगर एक्सपोज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। पब्लिश, पावर बीआई कनेक्टेड है तो आप यही से डेटा पब्लिश कर सकते, क्लोज हो गया अकाउंट। अगर आपने पावर बीआई इसका Office 365 का सिस्टम ले रखा है तो ये आपको यहाँ पे अकाउंट के डिटेल्स और आपकी जो वन ड्राइव मिला हुआ है क्लाउड पे उसका डिटेल मिलेगा, और यहीं पे आप अपडेट करेंगे तो आपका जो एक्सेल है वो अपडेट हो जाएगा। जैसे मेरा आपको डेट है तो कुछ नई चीज आएगी तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। फीडबैक, अगर आपके पास ओरिजिनल विंडो है, ओरिजिनल सॉरी ये है ऑफिस है और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्टली फीडबैक दे सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट को। जैसे कि नए नए जो फॉर्मुलेज आते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट इसी फीडबैक के बिहाफ पे रिसर्च करके बनाता है या सजेशन है। और ऑप्शंस के अंदर में आपको एक्सेल की सेटिंग, आप बोलेंगे सर कि आप पहले ही दिन आप एक्सेल की सेटिंग क्यों बढ़ा रहे हैं? पहले दिन है तो तीसरा दिन है ना महाराज, जी है तो चौथा दिन, लेकिन एक दिन यहाँ थ्योरी थी ना। तो जी देखिए एक्सेल जब भी कुछ नई चीज लेते हैं, जैसे आपने एक सेल फोन ही खरीदा है तो उसकी सेटिंग जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट आता है ना सर, फिर भी आप उसका वॉल पेपर, रिंगटोन, अलार्म, बहुत सारी चीज चेंज करते हैं अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्या जी सेम उसमें से एक्सेल भी है? जैसे कि यहाँ पे आपका फॉन्ट बाय डिफॉल्ट कैलिबरी है, लेकिन बहुत सारे ऑफिस में एक फिक्स फॉर्म फॉन्ट होता है वो यूज करते हैं, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। फॉन्ट की साइज हमारा 14 है, एक बार में 3 भी होता है नॉर्मल है। ये हमारा ऑथर नेम है, ऑथर नेम मतलब जो फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो बता देगा फाइल किसने बनाया है, ठीक है ना, ऑथर। तो आप चाहते जी हैं हर फाइल पे आपका नाम दिखे तो आप इसका यूज यहाँ पे चेंज कर। उसी तरह से आपका फॉर्मूला में है, यहाँ पे R1C1 कर देंगे तो ये BCD 1 2 3 हो जाएगा। प्रूफिंग में आप ऑटो करेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि मैं अगर DS अपने किसी एक्सेल सीट पे अगर DS लिखूंगा ना तो डेली सेल्स रिपोर्ट बन जाएगा। इस तरह के शॉर्टकट्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेव नॉर्मली सेव का होता है, सेव का डिफॉल्ट लोकेशन सेट कर सकते हैं, ये छोटी मोटी चेंजिंग है।
तो आप एक बार इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने बताया है, फ्राइडे है, और फ्राइडे को आधी क्लास होती है आधी प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है, ठीक है।